शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार का जवाब 7 अक्टूबर को होने वाली राहुल गांधी की रैली में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी इस रैली का नाम विकास से विजय रखा गया है और संगठन व सरकार मिलकर प्रधानमंत्री की बिलासपुर में हुई आभार रैली को न केवल जवाब देंगे बल्कि भाजपा को टक्कर भी देंगे। रैली का आयोजन प्रदेश सरकार के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। राहुल गांधी प्रदेश सरकार के 5 साल के विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखेंगे और इस रैली के माध्यम से विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिलासपुर की रैली का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कल मंडी के पटेल मैदान में जनसभा करने जा रही है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो हिस्सा लेंगे। पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता उसमें आ रहे हैं और विकास से विजय इस रैली का नाम रखा गया है, जो कार्य 5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 तारीख को किया, मेरा ये मानना है कि कल की रैली के बाद जो है वो प्रदेश में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का प्रचार भी शुरू होगा और जो वास्तु स्थिति है वो भी सामने आ जाएगी। सर, इसमें कौन कौन बड़े नेता आने की? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, राहुल जी हैं, सुशील कुमार शिंदे हैं, ये लोग होंगे। तो सर, इससे जो है कांग्रेस जो है वो आगामी विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है वो फूंक देगी? बिल्कुल, चुनावों से पहले की ये 5 वर्ष की जो उपलब्धियां सरकार की हैं उसकी बड़ी रैली है, इसके बाद की जो जनसभाएं होंगी वो चुनावी जनसभाएं। थैंक यू सर। गौरतलब रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रणनीतिकार नई सियासी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंडी रैली में दिए जाने वाला भाषण पर खास दिमाग खपाया जा रहा है। अब की बार राहुल गांधी केंद्र सरकार की आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी करते नजर आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हमले का जवाब भी देंगे जिसमें उन्होंने पूरी कांग्रेस के जमानत पर होने की बात कही थी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस के युवराज इन आरोपों का किस तरह जवाब देते हैं।